अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 4 है ये, असल में दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है हमारे पास लिक्विड और सेकंड हमारे पास इसका पोर्शन होगा सॉलिड। जो पहला पोर्शन आज हमने स्टार्ट करना है वो लिक्विड पोर्शन है। लिक्विड पोर्शन में मैक्सिमम जो चीज़ें दी गई हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के टाइप्स हैं, एवेपोरेशन और इसके अलावा सब्लिमेशन, ये सारी चीज़ें हम यहाँ बयान करने को देगा कि ये चीज़ें क्या होती हैं। ये सिंपल कुछ चीज़ें आपने पहले पढ़ी हुई हैं, 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़ी होंगी, और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो नहीं आएंगी। मतलब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का लफ्ज़ आएगा, ये आपने पहले पढ़ा हुआ 9th क्लास में। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं ये यहाँ पे, लेकिन थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस क्या होती हैं, एवेपोरेशन क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ये किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ये सारी की सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी टच किया हुआ है आपने। लेकिन यहाँ पर क्या करना, हमने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। आज जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये क्या होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी होती हैं। इनकी डेफिनेशन लाजमी याद कीजिएगा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर कहते हैं दरमियान, मिडल, बिटवीन, इंटर कहते हैं क्या जी, इन अल्फाज पे गौर कर ले तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती कौन सी है। इंटर मीन क्या होता है, बिटवीन, दरमियान में, बिटवीन मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल के, ऐसी फोर्सेस जो दो मॉलिक्यूल के दरमियान में पाई जाएंगी उसको हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। मसलन मैं एग्जांपल देता हूँ कि ये वाली चीज़ चेक कीजिएगा, ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है। मसलन ये वाली चीज़ HCl बनाया मैंने, और आपको ये पता होगा Cl की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। सेम इसी तरह हमारे पास एक और भी HCl है, एक और भी हमारे पास HCl है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। सेम इसी तरह एक और हम बना लेते हैं यहाँ पे HCl का मॉलिक्यूल, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। अब होता यह है कि एक मॉलिक्यूल, ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या है जी, एक मॉलिक्यूल, ये पूरा का पूरा क्या है जी हमारे पास, एक मॉलिक्यूल, ये पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल। अब यह यहाँ पर चेक करें, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, ये वाला कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो ये बात याद रखिएगा, थोड़ी सी मजबूत होती है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, ये इसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। अब ये दो मॉलिक्यूल के दरमियान में फोर्स क्रिएट हो रही है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज है, ये बात याद रखनी है। द फोर्स विच इज प्रेजेंट बिटवीन टू मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। चलिए डेफिनेशन लिखे। सबसे पहले हमने मेन चीज़ हमारे पास डेफिनेशन एग्जाम्पल्स वगैरह होंगी। डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन टू मॉलिक्यूल, ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो मॉलिक्यूल के दरमियान में पाई जाए इसको इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स का नाम दे देते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कशिश की फोर्स है प्रेजेंट, जो मौजूद होती है प्रेजेंट बिटवीन टू मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल के दरमियान में मौजूद हो इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का नाम दे रहे होते हैं। हम चंद एक एग्जांपल भी लिख लेते हैं, ये आपने एग्जांपल पहले थोड़ी थोड़ी आपको अंदाज़ा होंगी, लेकिन हम मज़ीद इनको एक्सप्लेन कर लेंगे। ये चंद एक एग्जांपल्स है हमारे पास। अगर वाटर के मॉलिक्यूल में देखा जाए ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इस तरह होती हैं। क्या होता है, ये हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन होगा यहाँ पे, सेम इसी तरह का एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ बना लें, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा। अब क्या होता है, इसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। अब इन दोनों के दरमियान में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है, इसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, और स्पेसिफिकली इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कहते हैं। यह क्या हमारे पास है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस या फोर्स। इसके अलावा सेकेंड एग्जाम्पल आप सेम ये चीज़ बनाइएगा, सेम ये चीज़ उठानी है, उठा के यहाँ बना देनी है और यहाँ बता देना है कि जो दरमियान में चीज़ आ रही है क्या है जी हमारे पास, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की चंद एक खसूसियात, करेक्टरिस्टिक्स
ये चीज़ें याद रखनी है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस मजबूत होने से कौन सी चीज़ें पर फ़र्क पड़ता है, कौन सी चीज़ों पे फ़र्क नहीं पड़ता। चले जी करैक्टरिस्टिक्स की हेडिंग दे लें, ये चंद एक करैक्टरिस्टिक्स बात करेंगे। करैक्टरिस्टिक्स, अगर करैक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो सबसे पहला करैक्टरिस्टिक्स ये होता है कि ये डिपेंड कर रही होती हैं, इट कैन नॉट डिपेंड ऑन, इट कैन नॉट यह डिपेंड नहीं कर रही होती, डिपेंड ऑन, यह डिपेंड नहीं कर रही होती, किस चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रही होती, ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड नहीं करती। पहली बात क्या है जी, ये ऐसी फोर्सेस हैं ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं करेंगे। मसलन मैं कहता हूँ जिसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इस पर हरगिज़ डिपेंड नहीं करेंगी। सही, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रही होती है मॉलिक्यूल के ऊपर, चार्ज है ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर, इस चीज़ पे डिपेंड करती हैं। अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। क्या होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज के तब्दील होने से चेंज हो जाती है। चले इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं इज चेंज द फिजिकल प्रॉपर्टी, या इंटर मॉलिक्यूलर डिपेंड ऑन, या काज चेंज, काज चेंज कर लें, काज चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी, चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, कहता फिजिकल प्रॉपर्टीज पर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज अपना कुछ ना कुछ असर दिखा रही होती हैं, कुछ ना कुछ उनमें चेंज की वजह बन रही होती है। मसलन मैं एग्जांपल देता हूँ, जो वाटर जो है ये H2 है, इसमें भी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स पाई जाती है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। सही, अब इसके बाद मैं कहता हूँ अल्कोहल है, इथेनॉल की बात करता हूँ, इथेनॉल है इसका मैं बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मतलब क्या है, इसमें जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं ये स्ट्रॉन्ग होती हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। हाइड्रोजन, अगर जितने भी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं सब में स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स देखी जाए तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। वो कौन सी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये थोड़े से बात ये जहन में रखिएगा, और इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंपल डाइपोल डाइपोल फोर्स कह सकते हैं पाई जाती है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है जी, कम है। अब यही दो बातें आपने याद रखनी है, एग्जाम्पल याद रखनी है हमारे पास से बिल्कुल सिंपल सी, कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज क्या होती हैं। अब इसके बाद सेकंड टर्म आ जाती है, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेज कौन सी है, व्हाट इज इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेज। चलिए नेक्स्ट हेडिंग दें, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेज, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेज। अच्छा इंट्रा का मतलब क्या होता है, ये देखिए सिर्फ एक वर्ड का चेंज, इंटर इंट्रा, जहां पे वर्ड इंट्रा आ जाए उसका समझ लीजिएगा बिटवीन द मॉलिक्यूल या इन द मॉलिक्यूल, बिटवीन नहीं इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्सेस पाए जाएंगे उसको हम इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस कहें, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस कहें। मसलन मैंने यहाँ पे कहा जी ये एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल ये है, ये जो दरमियान दो मॉलिक्यूल के दरमियान में फोर्स पाई जा रही है इसका हम क्या नाम दे रहे थे, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये भी तो कोई ना कोई दो एटम को जोड़े रखी है, अगर इस फोर्स की बात करता हूँ इसको कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेज, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेज या फोर्स। क्या ये क्या है, हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो दो एटम्स के दरमियान में पाई जाती है उसको इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेज कहेंगे। और इंटर मॉलिक्यूलर क्या है कि दो मॉलिक्यूल के दरमियान में, सही है, दो मॉलिक्यूल के दरमियान में जो फोर्स पाई जाएगी उसको इंटर मॉलिक्यूलर, और इंट्रा क्या होगा एक ही मॉलिक्यूल के एटम्स के दरमियान, एक ही मॉलिक्यूल के एटम्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है उसको इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कशिश की फोर्स है जी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन, या प्रेजेंट बिटवीन द एटम, बिटवीन द एटम्स ऑफ, एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल,
एक ही मॉलिक्यूल के जो एटम्स के दरमियान में ये जो फोर्स पाई जाती है इसको हम इंट्रो मॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं. इस कारण इंट्रो मॉलिक्यूलर फोर्सेस. अब जो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस है इसकी मजीद आपने चार टाइप्स पढ़ी हुई हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस की. ये कौन कौन से हो सकते हैं? या तो आयनिक बॉन्ड हो सकता है मॉलिक एटम्स के दरमियान में. तो यहाँ पे देखिए कौन सा बॉन्ड है, ये वाला कोवलेंट बॉन्ड है. या कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है जिसको डेटिव कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं. और लास्ट वो चीज के मेटेलिक बॉन्ड भी एटम्स के दरमियान में पाया जा सकता है. देखिए तो एक ही मॉलिक्यूल के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है एटम्स के दरमियान में उसको इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं. अब यहाँ पे अगर बात करते हैं करैक्टरिस्टिक्स की, पहले करैक्टरिस्टिक्स बाद में एग्जांपल. करैक्टरिस्टिक्स, अगर करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती हैं. क्या करती हैं? वैलेंस शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस पर डिपेंड कर रही थी. मसलन मेरे पास ये बनना है बॉन्ड, ये मेरे पास हाइड्रोजन है. ये सिंपल सी मैं एग्जांपल देने लगा हूँ. यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये मेरे पास क्या है? ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं. अब यहाँ पे कितने इंट्रा मॉलिकुलर फोर्सेस क्रिएट होंगी वो डिपेंड करेंगी किस पे? वैलेंस शेल पे इलेक्ट्रॉन. क्योंकि हर एक एटम चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊँ. स्टेबल किस तरह होता है कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लें. तो अब क्या होगा, ये वाले हाइड्रोजन एटम दो यहाँ पे जुड़ेंगे. चेक करें, ये दो एटम यहाँ पे जुड़ते हैं, हम एक भी जोड़ते हैं क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन जब तक दो नहीं जुड़ते दोनों स्टेबल ही नहीं होते. ये दो एटम यहाँ पे जुड़ गए. अब चेक करें ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए. उसका डुप्लेट मुकम्मल हो गया, उसका ऑक्टेट मुकम्मल हो गया. इसलिए हम वाटर को जब भी बना रहे होते हैं इस तरह बना रहे होते हैं. अब कहें जी वाटर को तो इस तरह भी बना दें, ले जी इस तरह बना सकते हैं. लेकिन इस तरह हम नहीं बनाते हैं. क्यों नहीं बनाते हैं? उसकी रीज़न है. क्या रीज़न है? क्योंकि जो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो डिपेंड कर रही थी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे. सही है. अब यहाँ पे दो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में. चले लिखें, ये किस पे डिपेंड कर रही होती हैं? इट डिपेंड ऑन ये इनहसार कर रही होती है ऑन नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन. नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, शेल इलेक्ट्रॉन्स. अब देखें हमने यहां पे सेकंड बात की, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड कर रही होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे. यहां पे फिजिकल प्रॉपर्टी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड नहीं करती. बेशक स्ट्रॉन्ग हो जाए बेशक वीक हो जाए, फिजिकल प्रॉपर्टी होती कौन सी, पहले ये सुन लें. फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको हम मुशाहिदा कर सकें, नोट कर सकें, जिनका हम मुशाहिदा कर सकें. सिंपल अगर वो बात कहूँ तो जिसमें रिएक्शन ना हो फिजिकल प्रॉपर्टीज. मसलन मैं कहता हूँ जी ये मेरे पास बोर्ड मार्क है, इसके कैप का कलर क्या है? ब्लैक. ये फिजिकल प्रॉपर्टी है. आप मुशाहिदा करके बता दें इसका जो कैप का कलर है वो ब्लैक है. अब मेल्टिंग पॉइंट आप नोट कर सकते हैं. क्या करें, किसी चीज़ को गर्म करें उसका थर्मोमीटर लगा दें, जैसे वो बॉयल होना शुरू हो गया आप कहेंगे ये बॉयल होना शुरू हो गया, मेल्टिंग पॉइंट या मेल्ट होना शुरू हो वहाँ मेल्टिंग पॉइंट है. ये सारी की सारी हमारे पास होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज. मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी कैन नॉट डिपेंड ऑन द इंट्रा मॉलिकुलर फोर्सेज. लिखें फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो तबई खूसियात है, प्रॉपर्टीज कैन नॉट डिपेंड ऑन इंट्रा मॉलिकुलर फोर्सेस. अब एग्जाम्पल में आपने सेम चीज बनानी है, ये चीज सेम बना के आपने उसमें बता देना कि ये वाली चीज इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस है और ये क्या है? इंट्रा मॉलिकुलर फोर्सेस. ये क्या हमारे पास है? इंट्रा मॉलिकुलर फोर्सेज. बस एग्जाम्पल बता देनी है. अब क्वेश्चन किस तरह आता है, पास्ट पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है और पूछता है इस तरह है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज एंड इंट्रा मॉलिकुलर फोर्सेज. सबसे बेस्ट तरीकाकार ये है, देखिए दोनों हम अगर देखेंगे ना आप डिफरेंस भी लिख सकते हैं. डेफिनेशन लिखे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम इन अ मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के एटम्स के दरमियान.
ये किस पे डिपेंड कर रही होती हैं? ये डिपेंड नहीं करती वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, ये डिपेंड कर रही होती हैं। ये फिजिकल प्रॉपर्टी पे इन्हसार चेंज वगैरह ला रही होती हैं, लेकिन ये फिजिकल प्रॉपर्टी पे कोई नहीं चेंज ला रही होती हैं। और लास्ट में आपने एग्जांपल देनी है, यहाँ पे भी अगर एग्जांपल ये भी लिखते हैं तो यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी हैं? ये वाली जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं। और ये क्या हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर, लास्ट में एक एक एग्जांपल लिख दिए, कम से कम दो डिफरेंस लास्ट में लिखे हुए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आएगा। ये आज के लेक्चर में चल रहा है।